सजा देने वाला जजा देने वाला कौन? अल्लाह। कौन? सजा देने वाला जजा देने वाला, सजा देने वाला जजा देने वाला, सजा देने वाला जजा देने वाला, वो सारे दुखों की दवा देने वाला, वो सारे दुखों की दवा देने वाला, सजा देने वाला जजा देने वाला, कोई सिद्दीक दिल से माफी तो मांगे। अजीब शेर तो है, कोई सिद्दीक दिल से माफी तो मांगे, लेकिन वाकई जो जहन में आया है वो बड़ा अजीब है। एक हिंदू अपने बुत के सामने आके बैठता था और कहता था, या सनम या सनम या सनम या सनम। 80 साल अपनी जिंदगी के उसने गुजार दिए, सनम 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 सनम। एक दिन 80 साल बाद आया ना बुत के आगे बैठा, थका हुआ था बड़ा ज्यादा, तो सनम कहने लगा तो मुंह से निकल गया या समद। सनम की जगह क्या निकला? समद, अल्लाह का नाम। एकदम आवाज आई, लब्बैक या आबदी, ए मेरे बंदे में हाजिर। फरिश्ते कहने लगे, नहीं इसने तो आपको पुकारा ही नहीं है, तो बुत को बोल रहा था, जमाई आई है, मुंह खुला है, गलती से नाम निकला है। तो मेरे रब कहने लगा, 80 साल से इंतजार में बैठा था, मेरा बंदा कहां टकरे मार रहा है, 80 साल बाद गलती से इसके मुंह से निकल गया मेरा नाम। अगर मैं भी जवाब ना देता तो मुझ में और बुत में क्या फर्क रह जाता? तो भूले से भी माफी मांगो वो उसको भी कबूल करता है। कोई सिद्दीक दिल से माफी तो मांगे, कोई सिद्दीक दिल से माफी तो मांगे, कोई सिद्दीक दिल से माफी तो मांगे, वो बख्शिश के दरिया बहा देने वाला, वो बख्शिश के दरिया बहा देने वाला, सजा देने वाला जजा देने वाला, अबू जहल के हाथ में थे जो कंकर, अबू जहल के हाथ में थे जो कंकर, अबू जहल के हाथ में थे जो कंकर, वो उनको भी कलमा पढ़ा देने वाला, वो उनको भी कलमा पढ़ा देने वाला, सजा देने वाला जजा देने वाला, हमारे नबी की वो हर हर अदा को, हमारे नबी की वो एक एक अदा को। एक साहबी रस्ते से जा रहे हैं और साफ सुथरा रास्ता है, एकदम सर नीचे किया,
और यूं चले गए। काफले में और भी लोग थे, कहा ये क्या किया, कमें अपने महबूब के साथ था इस सफर में। तो यहां पर एक दरख्त हुआ करता था जिसकी कुछ टहनियां यूं झुकी होती थी। मेरे नबी यहां से गुजरा था तो सर झुका के गुजरा था। मैंने कहा मैं गुजरूं हुजूर की अदा छोड़ के ना जाऊं, सर झुका के चला जाऊं। एक सहाबी सफर में थे, रस्ते में रुके, थोड़ी देर के लिए बैठे और चले गए। कहा ये क्या किया भाई तुम बैठे, ना कोई इस्तिंजा ना कोई जोर ना कोई काम किया। कहा मैं हुजूर के साथ था, आपने इस जगह रुके इस्तिंजा फरमाया था। मैंने कहा मैं नकल करके चला जाऊं। तो ऐसा अदब ऐसी इताअत थी, तो अल्लाह ने ऐलान किया जाओ मैं तुमसे राजी हूं। हमारे नबी की वो हर हर अदा को, हमारे नबी की वो एक एक अदा को, सहाबा के अंदर समा देने वाला, सहाबा के अंदर समा देने वाला, सजा देने वाला, सजा देने वाला, जजा देने वाला, सजा देने वाला, जजा देने वाला, सजा देने वाला, जजा देने वाला, वो सारे दुखों की दवा देने वाला, वो सारे दुखों की दवा देने वाला। बस उससे ताल्लुक जोड़ना है, उसके आगे झुकना है। दो रकत तहज्जुद के हों, खुल खुशी और खुजू वाले हों, हाथ उठाओ कैसे पूरी नहीं होती। वो सारे दुखों की, बस उससे लेने का तरीका आता हो। हाँ, किसी बॉस से कुछ काम लेने का तरीका आना चाहिए। हर एरा गैरा बॉस से नहीं काम ले सकता। आपको फर्ज करो 25-30 हजार रुपए चाहिए अपने सेठ से, कुछ सीखो यार कैसे जाऊं, 10 लोगों से मशवरा करो यार पैसे दें, दे देगा, लेकिन मैं कोई गलत बात ना निकल जाए, अल्फाज कैसे बोलूं यार तुम बताओ। हर कोई समझाएगा तू ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। तो अल्लाह से लेने का तरीका आना चाहिए, अल्लाह से लेने का तरीका आना चाहिए। खुशू खुजो कोई ना हो, तन्हाई में यूं हाथ उठाओ, अल्लाह और तुम्हारे दरमियान कोई नहीं, देखो कैसे मिलते हैं। वो सारे दुखों की दवा देने वाला, सजा देने वाला, जजा देने वाला, और हमें तो तलब से भी ज्यादा मिला है, मुझे तो तलब से भी ज्यादा मिला है, हमें तो तलब से भी ज्यादा मिला है, वो मंगतों को सुल्ता बना देने वाला, वो मंगतों को सुल्ता बना देने वाला, सजा देने वाला, जजा देने वाला।